की वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्लामाबाद ख़तरे में है और हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुसलसल बता रही है कि मुल्क दुश्मन अनासर दहशतगर्दी की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इन हालात का कुछ ख्याल करें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इमरान खान के फोकल पर्सन बराय सकाफत सलमान अहमद ने बताया कि उन्हें दो एंकरों ने पैगाम दिया है कि उनका नाम भी हट लिस्ट में शामिल है जिसके जवाब में विफाक वजी मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की जानब से उन्हें कोई ख़तरा नहीं है खान साहब को हमने खुली छुट्टी दी हुई है ये अपनी मार्च करें इस्लामाबाद में भी अगर ये पुरन तरीके से आके बैठना चाहेंगे जहाँ के बैठ सकते हैं बैठे रहें आपने रेड जोन को जीरो पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया इसका मतलब है आप उनको आगे नहीं आने देंगे जहाँ तक उसकी लिमिट्स के बाहर आएँ आके बैठे रहें इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बड़े ख़तरात हैं देखिए इनको मुसलसिल हम बता रहे हैं कि आपने देखा है कि जो मुल्क दुश्मन अनासर है वो दहशत गर्दी की कोशिशें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हों कि जहाँ पर खून रेजी हो तो इनको भी चाहिए कि उन हालात का कुछ ख़्याल करें दो बड़े एंकर्स हैं जिन्होंने फ़ोन किया कल फोन किया कि आपकी ज़िंदगी खतरे में है आपका नाम आ, हिट लिस्ट पे है ये देखें ये मेरी छाती है गोलियाँ आपने मारनी है तो आगे, आगे से मारें ये ना तीसरे चौथे बंदे के जरिए मेरे वालिद पचासी साल के हैं उनको फ़ोन करके आप धमकिया दे रहे हैं